السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله فرائض کو سر انجام دیتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا مالک مرائی کا نذرانہ پیش کرنا بھی بات ہے اس میں پورے مندر کا جانا कांस्टेबल अदनान एहसान बड़ा अच्छा ड्यूटीफुल हमारा कांस्टेबल था। इसकी ड्यूटी हमने समड़ियाल रोड पे जो पिकेट है वहाँ पे लगी थी, पुलिस लाइंस में तैनात था और वहाँ ड्यूटी के लिए गया 31 तारीख को। तो वहीं से फिर ड्यूटी ऑफ करने के बाद वो मेरे ख्याल जब निकला है अपने बाइक पे, तो अभी ये प्रिजम्पशन है हमारी कि वहाँ पे ये चूँकि ये सिट इन वाली जगह के नज़दीक ही जगह थी तो वहाँ से ये ओवर पावर हुआ और फिर उनकी कस्टडी में रहा और वहाँ से इस पर बहिमाना तशद्दुद किया गया और हमें कल शाम को लगभग 5 बजे के करीब कल यकम तारीख को हमें इसकी बॉडी वहाँ से फसलों के पास से मिली और उसकी फिर हमने तशखीस करना शुरू की और रात के टाइम फिर हमें इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई कि हमारा कांस्टेबल एहसान है अदनान। और बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वाकया है और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और बहुत बेदर्दी के साथ उसके ऊपर टॉर्चर किया गया, उसकी बेतौकीरी की गई और उसका जो यूनिफॉर्म है वो भी चेंज था और उसको दूसरा प्राइवेट कपड़े पहनाए हुए थे। और आज आपने देखा कि जो जनाजा हुआ है उसमें हमारे तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स, सिविल सोसाइटी से लोग, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स आए, हमारी जो मजहबी हमारी जो लीडरशिप है वो यहाँ मौजूद थी, प्रेस के नुमाइंदगान, उसके बाद ट्रेडर्स हमारे, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, उन सब ने यहाँ पे आके इसके जनाजे में शिरकत करके ये भी कहा कि वो इस किस्म की जितनी भी तखरीबकारी है, दहशतगर्दी है, इसको कंडेम करते हैं। और पंजाब पुलिस ने एक दफ़ा फिर अपनी जानों का नजराना ना कभी पहले कभी चूकी है अपनी जानों का नजराना पेश करने से, और अभी भी हमारे कॉन्स्टेबल ने इस धरती के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। ये जो लोग एहतजाज कर रहे थे कल अदम जमात के, ये वही लोग थे और क्या अगवा किया गया था, थोड़ा जरा वजाहत कर दें, ये क्या उन्होंने किया, कौन लोग हैं? जी अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, चीज़ें उसमें अनफोल्ड होंगी, लेकिन जिस तरह का पीछे हमारे जो इंसिडेंट्स हुए शेखुपुरा के अंदर भी, लाहौर में भी, और इसके पहले भी जो पुरतशद्दत ये जितने भी प्रोसेशंस थे TLP के, उससे चीज़ें हम प्रिज्यूम ही कर सकते हैं क्योंकि जगह भी बड़ी नज़दीक थी और वहाँ पे हमारी पिकेट के अलावा लोकल्स भी आ जा नहीं रहे थे जहाँ पे इनकी भारी तादाद में जो धरने वाली जगह थी, और इसकी बहुत ही नज़दीक जगह है ये वाली जहाँ से हमें बॉडी मिली है। तो अभी प्रिजम्पशन यही है और हमें कोई वैसे शुबा नहीं है कि इन्हीं के एक्टिविस्ट ने, तखरीबकारों ने उसको किया, और जहाँ जहाँ भी इन आइसोलेशन हमारे पुलिस ऑफिसर्स या हमारे कॉन्स्टेबल्स या हमारे जवान जाते आते रहे, सो मच सो के डिफरेंट और भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के, तो ये उनको ओवर पावर करते रहे, जो भी अकेला इक्का दुक्का कहीं निकलता रहा। तो हमारी यही है प्रिजम्पशन कि ये इसी तरह ही यहाँ से उसको अगवा किया गया और फिर तशद्दुद करके उसको मारा गया। ये डेड बॉडी मिली तो जो मुकदमा अभी दर्ज हुआ है जुलाई को, कोलकाता में लोन एक था, और क्या इसकी अब लीगल इसको नई FIR होगी? नहीं नहीं नहीं, इन्वेस्टिगेशन इसको, हमेशा जब भी कोई लाश मिलती है उसकी शनाख्त नहीं होती तो नामालूम की 302 में FIR होती है,
और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन चीज़ें जैसे अनवेल हो रही होती हैं तो उसके मुताबिक दफात भी ऐड होती जाती हैं, जो एविडेंसेस आते जाते हैं उसके अंदर सेक्शन ऑफ लॉज ऐड होते जाते हैं। सर के अलावा भी कोई जख्मी हैं और मजीद को जो गुजरांवाला से बिलोंग करते हुए इस डिवीजन? जी, हमारे जो एक कन्फ्रंटेशन हमारी सादुकी में हुई थी उसमें हमारे काफ़ी सारे लोग जख्मी हुए, हमारे गजटेड ऑफिसर्स बड़ी बड़ी बहादुरी के साथ वहाँ पर लड़े, हमारे एक SP उनका भी हाथ फ्रैक्चर हुआ, हमारे और भी गजटेड ऑफिसर्स वो भी जख्मी हुए, हमारे कुछ SHOs उसमें ज़ख्मी हुए, लेकिन ये हमारी जो शहादत है ये इस वाले जो ऑल्टरकेशन है उसके अंदर पहली शहादत है हमारी गुजरांवाला पुलिस। थैंक यू। शहीद की जमात है, कौम की हयात है।